हेलो फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर बन रहा है खोआ, दूध का खोआ, जो जिसे यहाँ पर कहते हैं माव, और वो बना रही है मेरी सासू माँ। दिखाते हैं आपको कैसे बन रहा है यहाँ पर, तो देखिए मेरा ये वीडियो। देखिए ये मेरे सासू माँ। सासू माँ यहाँ पर खड़ी है और यहाँ इसराइल देख रहा है कैसे बन रहा है पेड़ा बनाने का। तो यहाँ ज्यादा यही चलता है मिठाई, पेड़ा वाड़ा, और ये घर के लिए बन रहा है, स्पेशल घर के लिए। देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा डाले हैं दूध इसमें, और थोड़ा अभी बाद में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ये। और देखिए यहाँ पर ये चला रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना पड़ता है, प्रेशर दे के चलाना पड़ता है इसको। तो देखिए ये चला, चलाने में बहुत इसमें मेहनत लगती है। यहाँ पर इलायची भी डाली थी पर दिखा नहीं सकी, वो मेरे शौहर ने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर अब चीनी डाल रहे हैं, और मेरी सास बोल रही है और चीनी डालो, और ये बोल रहे हैं नहीं चीनी थोड़ा ही खाना है, कहे कि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इतना चीनी डाल रही हूँ। और जब एकदम गाढ़ा हो जाता है तभी चीनी, इलायची का पाउडर या इलायची कूट के डालते हैं, तो मैं तो इलायची इसमें कूट के डाली हूँ। तो देखिए कैसा बन रहा है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किस किस को अपने सास और माँ के हाथ का खाना या कुछ और भी डिश अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। बास है, तो फ्रेंड ये है ना, टायर पे रखा जाता है, कहे कि कढ़ाई एकदम उलट उलट जाए तो सब मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, इसलिए देखिए ये टायर पे रखे हैं। और देखिए स्पेशल माओ खोआ रेडी है घर का, एकदम प्योर। तो कैसी लगी बताइए।